जय माता दी। कैसे मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका दोस्त मनीष आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि अक्टूबर 2018 का मासिक राशिफल। मेरे प्यारे मित्रों, आपका कैसा रहेगा अक्टूबर, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी राशि के साथ ये महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप अपने चैनल को लाइक करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छा लगे तो लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पहले मिल सके। तो बात करते हैं दोस्तों आपके सबसे पहले स्वामी की। तो आपके स्वामी होते हैं मून, यानी चंद्रमा आपके लिए स्वामी है और आपके भगवान जो हैं वो भगवान शिव हैं, यानी आपको शिव जी की प्रार्थना करनी चाहिए। भाग्यशाली रंग सफ़ेद या दूधिया आपके लिए भाग्यशाली रंग होगा और अंक आपके लिए 4 नंबर रहने वाला है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है और धातु आपके लिए चांदी और तांबा आपके लिए शुभ धातु हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसी तरीके से अब बात करते हैं आपके शुभ रत्न की। तो मोती आपके लिए सबसे शुभ जो रत्न है वो शुभ रत्न रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्वभाव की। तो आपका स्वभाव चर है और स्वामी आपके जो होते हैं वो चर यानी मूवेबल रहेंगे और राशि तत्व आपका वाटर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके इस माह होने वाले सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्थिक स्थिति से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यह महीना आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा हानि होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। भूमि, वाहन या अन्य किसी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस समय पर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए तथा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या अन्य शिव मंत्रों का आपको उच्चारण करना चाहिए। इस माह आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो जाए आर्थिक स्थिति पर। अब दोस्तों बात करते हैं आपके अन्य चीज़ों के लिए, जैसे कि आपका परिवार। तो इस माह आपका परिवार पूरा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के साथ आपके सारे परिवार के लोग साथ देंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक बातों पे आपका मनभेद हो जाए, तो उनको मनभेदी रहने दीजिएगा, मतभेद मत होने दीजिएगा, क्योंकि यदि आप उसके जिरह करेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके स्वास्थ्य की। तो इस माह आपका स्वास्थ्य कुछ थोड़ा सा यहाँ पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है, हो सकता बुखार आए, हो सकता है आपको कोई नज़ला, जुखाम, सर्दी इत्यादि होने की संभावना है, जिसमें आप डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि ये फिर बीमारी बढ़ सकती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको असुविधा होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं यात्राओं की। तो दोस्तों इस महीने आप यात्राएं को अगर टाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर आपका भाग्य अंक यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। इस माह आपका केवल 60% ही काम करेगा, इसलिए प्यारे मित्रों आप अपनी यात्राओं को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके बिजनेस की। जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं या जो जातक बिजनेस करते हैं, वे इस समय पर अपनी हर एक चीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करके ही कार्य करें। यदि वह दूसरों पर विश्वास करेंगे तो वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का स्वयं ही कार्य करेंगे। बिजनेस में फायदा हो सकता है, बस आपने जब बिजनेस को शुरू करें तो उसके समय ओम नमः शिवाय या शिव जी का कोई भी मंत्र का उच्चारण करना है, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से नौकरी पेशा वालों के लिए घर से निकलने से पहले शिव जी के दर्शन अवश्य कर लें, जिससे कि कोई भी प्रकार की समस्या आपके नौकरी में ना पैदा हो और आपके बॉस आपसे खुश रहें, किसी भी प्रकार की जिरह ना हो जिससे आपका कोई भी नुकसान हो जाए। इसी तरीके से विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों को भी माँ भवानी और भगवान शिव का आराधना करनी चाहिए, जिससे कि उनको सुख शांति के साथ साथ पढ़ाई में तरक्की मिल सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको दी ये जानकारी आपके अपने इस कर्क के राशि के बारे में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो,
तो मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुभ दिन की। तो आपके लिए शुभ दिन 3/7/17 आपके लिए शुभ दिन रहेगा, और खराब दिन आपके लिए 14, 24, 26 और 30 तारीख आपकी खराब रहने वाली है। इन दिनों में आप कोई नया कार्य ना करें, ऐसी मैं सलाह आपको देता हूँ। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी कर्क राशि के जातकों का यह माह बहुत अच्छा रहे और उन्हें उन्नति प्राप्त हो, ऐसी आशा करता हूँ। और इसी आशा के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप देखते रहिए, बने रहिए अपने बरेली एस्ट्रो ज्योतिष चैनल के साथ।